हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं रिंग लाइट की। तो ये रिंग लाइट आप देख सकते हैं, ये रिंग लाइट जो है यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए या सेल्फी या फिर जो फोटोग्राफी वगैरह करते हैं उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहती है, क्योंकि इसकी जो लाइट है वो बहुत ही स्मूथ है। तो इससे जो पिक्चर या वीडियो की क्वालिटी है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है। तो रिंग लाइट बेसिकली इन पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। तो ये रिंग लाइट है, और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके बॉक्स पर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिंग फिल लाइट, और यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, और यहाँ साइड में जो है एक रिंग बनी हुई है, रिंग लाइट बनी हुई है, और रिंग फिल लाइट लिखा हुआ है यहाँ पर, और पीछे भी जो है कुछ इस तरह की जानकारी दी गई है, जैसे कि ये जो रिंग लाइट है किस चीज़ के लिए सूटेबल है। तो इसमें लिखा हुआ सेल्फी, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग एट्सेट्रा के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये आप देख सकते हैं, मैं और नज़दीक ला के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। और इसका जो साइज़ है वो 26 सेंटीमीटर है। 26 सेंटीमीटर का मतलब है यह है 10 इंच की रिंग लाइट है। तो इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो बेसिकली ये रिंग लाइट है, इसकी अनबॉक्सिंग हम करने वाले हैं। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फटाक से। तो ये लाइट है, और बाकी बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, देख लीजिए। तो ये हमारी रिंग लाइट है, और इसके अलावा हमें क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। तो इसके साथ हमें एक तो ये मोबाइल होल्डर मिला है, ये कहाँ पर लगाना है मैं आपको बताने वाला हूँ, और एक हमको ये ट्राइपॉड में ये फिट करने के लिए कनेक्टर मिला है। तो अभी हम देखते हैं इसको, खोल लेंगे। इससे पहले मैं आपको जो है ये लाइट दिखा देता हूँ। तो ये रिंग लाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मोबाइल कनेक्टर है बेसिकली यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हम इस तरीके से घुमा देंगे तो ये कनेक्ट हो गया, और ये फ्लेक्सिबल है, आप देख सकते हैं ये फ्लेक्सिबल है। यहाँ से आप जिस भी डायरेक्शन में रखना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं, ये आप इसको जो है घुमा सकते हैं। और इसकी जो वायर है वो भी आप देख लीजिए, वो काफ़ी बड़ी है, देख लीजिए। ये जो वायर है अराउंड 2 मीटर की है, और ये USB केबल दी गई है इसमें। तो इसको जो है चलाने के लिए या तो हमें जो मोबाइल का एडाप्टर है उसमें लगाना होगा, या फिर आप इसको जो है कंप्यूटर या लैपटॉप में, या फिर अगर आपके पास पावर बैंक है तो आप उसमें भी कनेक्ट करके इसको चला सकते हैं। तो ये इजीली जो है आप कनेक्ट कर देंगे और आप इसको लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास सिंपल ट्राइपॉड है जो कि आम ट्राइपॉड होता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मैंने इसका जो है अलग से ट्राइपॉड नहीं ख़रीदा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक ट्राइपॉड था, तो मैंने उचित नहीं समझा, कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि एक तो बहुत लाइट है ये, इसका जो वेट है लाइट वेट है, तो इस वजह से मैंने इसका अलग से जो है ट्राईपॉड नहीं ख़रीदा, क्योंकि वो उसमें फ़िक्स हो जाएगी। और अगर आपके पास डेडिकेटेड ट्राईपॉड है या आप ख़रीदना चाहते हैं, तो ये जो है आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर फिट हो जाएगा इस तरीके से, और ये वाला जो है नीचे वाला हिस्सा ये फिट ट्राइपॉड में फिट होगा। तो अभी मैं आपको जो है इसको माउंट करके दिखाता हूँ।
ट्राईपोड पे, और फिर इसके जो लाइट हैं, इसकी लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, ब्राइटनेस कितनी है, इसकी जो शेड्स हैं अलग अलग, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए मैं इसको पहले माउंट कर लेता हूँ और फिर मैं आपको इसको जलाकर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने ये जो रिंग लाइट है ये ट्राईपोड पर फिक्स कर दी है, लगा दी है। तो इसको हम ज़रा नज़दीक से देख लेते हैं। आप देखिए ये इसके साथ कनेक्टर दिया हुआ जो मैंने आपको दिखाया था। आप इस रिंग लाइट को डायरेक्टली भी यहाँ पे जो है अटैच कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इससे भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शन हैं, हम इस लाइट को डायरेक्टली यहाँ से भी यहाँ पे फिट कर सकते हैं या फिर इस कनेक्टर के थ्रू भी इसको फिट कर सकते हैं। अगर आप इसको मोड़ना चाहते हो तो आप मोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे इसका स्क्रू दिया हुआ है, ये स्क्रू आप देख लीजिए, ये वाला स्क्रू है। इसको आप लूज़ करके जो है इसको इस तरीके से मोड़ भी सकते हैं। देख लीजिए ये लाइट मुड़ गई है। तो ये कुछ इस तरह का सेटअप हो जाएगा, और यहाँ पे आप अपना मोबाइल जो है वो लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये यहाँ से बैंड हो जाता है, जितना भी आपको बैंड करना है, और हॉरिजॉन्टल चाहिए आपको या फिर आपको जो है लैंडस्केप चाहिए उस डायरेक्शन में आप कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले आपको जला के दिखा देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि ये इसकी वायर है, तो ये यहाँ पर हमको इसका कंट्रोल मिल जाता है। ये सबसे नीचे जो है ऑन ऑफ का है, अगर हम इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी, ये लाइट देख लीजिए आप। अगर हम इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। तो इसको हम ऑन कर लेते हैं। इससे ऊपर जो बटन है वो, यदि आप इसकी जो ब्राइटनेस है उसको कम करना चाहते हैं, तो ये देखिए ये 10 times जो है ब्राइटनेस इसकी एडजस्ट हो जाती है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं 10 times। और इससे ऊपर जो बटन दिया गया है यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे इसकी जो शेड है, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो इसकी 3 shades हमें मिलती है। एक ये इस तरह की शेड है, फिर एक थोड़ी सी ब्लूइश है, और फिर ये वार्म है। इसकी मैं जो है ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, जो सबसे ऊपर जो बटन है इससे ब्राइटनेस बढ़ेगी। ये देखिए ये वार्म लाइट है, और ये आपकी नॉर्मल लाइट है, और ये हल्की सी ब्लूइश लाइट हो जाती है। तो इस तरीके से जो है आप इस रिंग लाइट को यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी रिंग लाइट है। ऐसा नहीं है कि लोकल है तो इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, ब्राइटनेस बहुत बढ़िया है, स्मूथ है, और जितनी भी लाइट आपको चाहिए फोटोग्राफी के लिए, वीडियो के लिए, तो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 10 times आप जो है इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा है इसका फीचर लगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।